कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मंदिर की जमीन से अवैध कब्जा है वो भी हटाया जाएगा। झुंझुनू जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकल रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो मंदिर की जमीन को लेकर जो मामला चल रहा था उसमें आज बैठक हुई है और बैठक में ये सामने आया है कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा मंदिर की जमीन से और अवैध कब्जा है वो भी हटाया जाएगा। आपको बता दें कि गंग्यासर राय माता मंदिर परिसर में मंडावा विधायक रीटा चौधरी व मलसीसर उपखंड अधिकारी शकुंतला, तहसीलदार बबीता महंत, दशम गिरिजी, करुण गिरिजी, दिनेश गिरिजी के सानिध्य में बैठक हुई है। मंदिर भूमि की जमीन पर से कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। जो तार प्रशासन ने हटाए हैं वो एक दो दिन में वापस लग जाएंगे या फिर कमेटी लगवा लेगी। सभी पक्षों को साथ बैठकर इस विवाद पर सर्वसम्मति से भविष्य में आगे निर्णय लिया जाएगा तथा मंदिर कमेटी का ही निर्णय अंतिम होगा। मंदिर भूमि की जमीन को कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा। मंदिर भूमि का सीमांकन और सीमा ज्ञान प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा तथा भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। विवाद की स्थिति में आपस में बैठकर कमेटी महाराजा व महंत निर्णय लेंगे और वही निर्णय मान्य होगा।